नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर में यूज़ होने वाले माउस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट मेरे पास आ रहा था कि सर आपने पहला वीडियो बनाया हुआ है माउस के ऊपर, हमको पसंद आया हुआ है, एक और वीडियो बना दीजिए, डिटेल से हमको इसके बारे में बता दीजिए। तो आज हमने प्लानिंग कर रखा है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर जो हैं जो कि नहीं जानते हैं माउस कैसे यूज़ करते हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि माउस के बारे में नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दीजिए, और नहीं जानते हैं वीडियो के लास्ट में अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में अलग से हम कीबोर्ड लगाते हैं, अलग से माउस लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको इसके ऊपर हाथ साफ होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए कि आप एक फोर व्हीलर गाड़ी चलाते हैं या आप टू व्हीलर चलाते हैं, तो दोनों में स्टेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार के अंदर ऐसे चलाते हैं और बाइक के अंदर ऐसे चलाते हैं, अगर इसके ऊपर आपको कमांड नहीं होगा ना तो कहीं ना कहीं आप गाड़ी भिड़ा देंगे, कहीं लड़ा देंगे। उसी प्रकार से अगर आपका माउस के ऊपर हाथ साफ नहीं होगा तो कहीं आप क्लिक कर देंगे तो आप फाइल रीड कर सकते हैं, आप कहीं जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जानना कि इस माउस के अंदर जो लेफ़्ट बटन होता है उसका कहाँ काम आता है, जो राइट बटन होता है उसका कहाँ काम होता है, ये स्क्रॉल बटन ये क्यों दिया जाता है, इसके नीचे लाइट क्यों जलता है, एक तार वाला आता है, एक बिना तार वाला आता है, बहुत बातें करने जा रहे हैं आपको, अच्छा कुछ सिखाने जा रहे हैं। हाँ, उसके पहले चैनल पर पहली बार है कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये पूरा कंप्यूटर है। मान लीजिए कि कभी आप जाते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम जो है ना ऑनलाइन ही होता है, चाहे आप SSC की बात कर लीजिए, चाहे कोई भी बात कर लीजिए, पुलिस कांस्टेबल की बात कर लीजिए, हर जगह आपको कंप्यूटर मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर हम जानते नहीं हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव आंसर देना मतलब पड़ता है कि चार क्वेश्चन दिया है उसके एक एक क्लिक करना होता है, तो क्लिक इसी माउस से होता है, जाके उंगली से नहीं होता, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ये माउस। देखिए ये हमारे पास माउस है, ये इसको माउस क्यों कहते हैं, क्योंकि माउस के सेप जैसा है, जो हमारे घर में माउस होता है उसके सेप जैसा, इसका नाम माउस से दिया गया हुआ है। इस एक तार के साथ में आया हुआ है, ये तार दिख रहा है ना लंबा आपको, इसमें तार कभी छोटा आता है, किसी सस्ते वाले माउस में छोटा तार आएगा आपको, किसी मतलब मोटा मोटी जो है 250-300 का माउस मिल जाता है, 100 रुपये का माउस मिलता है। मैं कहूँगा कि 250-300 वाला माउस लिया कीजिए हमेशा आप, जो है जो कि फ़ायदा होता है, और क्योंकि लंबा तार होता है इसके अंदर। देखिए ये तार दिया हुआ है, जो तार लगा हुआ ना इसमें एक कनेक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, ये कनेक्टिविटी दी हुई है जिसको जो कि हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं या तो लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं इसको, समझिएगा, तो कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट बोलते हैं, इसी के माध्यम से हम लैपटॉप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आज के हर लैपटॉप के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर आपको USB पोर्ट मिल जाएगा, समझ गए। पहले इसके पहले आता था PS2 पोर्ट आता था गोल वाला, लेकिन अब वो आना बंद हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, अब USB पोर्ट ही आता है, ये हो चुका है। दूसरा, इसमें आपको मिलेगा एक वायरलेस माउस, वायरलेस मतलब बिना तार वाला माउस होता है, जो कि ब्लूटूथ के ऊपर वायरलेस के ऊपर काम करता है, तो ये तार उसमें लगा नहीं जाएगा, थोड़ा महंगा मिलता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप दूर से ही माउस को यूज़ कर सकते, तार कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वायर वाला माउस यूज़ किया, और आप कहीं एग्ज़ाम देने जाएंगे, कहीं जाएंगे ना तो आपको हमेशा वायर वाला ही माउस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका USB माउस। फिर इसके नीचे देखिए एक दिया हुआ है, यहाँ पर लाइट जलता है, लाइट इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस, देखिए अभी नहीं जल रहा ना, तो हम क्या करते हैं, अपने जो USB पोर्ट माउस है हमारे कंप्यूटर में जगह दिया हुआ है ये आगे लगाने के लिए, हम यहाँ इसको आगे लगा देते हैं, देखिए यहाँ लगा दिया हमने, और उसके बाद देखिए एक लाल कलर का लाइट जल गया, आपको ध्यान देखिए जल गया दिख रहा ना लाल कलर का, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। अगर आप कभी स्कूल गए होंगे तो स्कूल में आपने कंप्यूटर देखा होगा कि पहले जो माउस आते थे उसके नीचे एक चक्री गोल सा लगता था जो कि बच्चे निकाल के खेलते थे, तो उसको स्क्रॉल माउस कहते हैं, लेकिन वो जमाना बहुत पुराना है, जब हम स्कूल में पढ़ते तो वो आता था, वो बंद हो चुका है, अब ऑप्टिकल माउस ही आते हैं, नीचे इसके लाइट जलता है, लाइट का इंडिकेटर ये है कि जब लाइट जलता है ना तो ये बता रहा कि ऑन हो चुका पहले चीज़ तो, और इसी के हिसाब से आपका जो कर्सर होता है आपके स्क्रीन के ऊपर वो मूव करता है। देखिए ये लाइट क्या करता है, जैसे हम मान लीजिए कि एक सरफेस है, ये एक सतह है और यहाँ पर हम ऐसे रखते हैं, तो जैसे इसे मूव करेंगे तो ये लाइट इस सतह से पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद में फिर उसके बाद जो है सेंस करके आपका ये जो है यहाँ पे एरो मूव करना स्टार्ट हो जाता है, समझे। तो इस लाइट का मतलब ये होता है ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करेगा उसके बाद जो है इसका रिफ्लेक्शन बनेगा और वहाँ पर जाकर के आपका कर्सर जो कि आप मॉनिटर पे देखेंगे छोटा सा पॉइंटर, उसको कर्सर कहते हैं, और वो ऐसे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। तो तार समझ गए आप हैं, आप समझ गए हैं जो इसको ऑप्टिकल बोलते हैं, गोल वाला नहीं आता है, चाहे वायरलेस हो तब भी उसमें लाइट ही जलेगा। हमेशा कोई पूछे कि लाइट वाले माउस को क्या बोलते हैं, बोल दीजिए ऑप्टिकल माउस बोलते हैं, और ये कनेक्टिविटी होती है। अब तो ये इसमें तीन बटन दिए रहते हैं,
एक दिया रहता है लेफ्ट बटन ये वाला दिया रहता है, और एक दिया रहता है राइट बटन दिया रहता है, और एक दिया रहता है स्क्रॉल दिया रहता है, तीन बटन है। इसको समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कैसे काम करता है। चलिए इसके लिए चलना पड़ता है आपको, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ आपको मैं। तो देखिए दोस्तों ये माउस है, दिख रहा है आपको ना, कनेक्ट कर दिया हमने, ये सरफेस पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया सरफेस के ऊपर। और देखिए कभी कभी क्या छोटा माउस बड़ा माउस आता रहता है, तो ये नॉर्मल साइज़ है, डेल कंपनी का माउस है ये, मोटा मोटी 250-300 रुपये का हमने मार्केट से ख़रीदा हुआ है। अब देखिए अब इसको हम जैसे मूव कर रहे हैं ना, जैसे जैसे इसको हम घुमा रहे हैं, यहाँ से घुमा रहे हैं, तो साथ में ये एरो की भी घूम रहा है, ये दिख रहा है ना एरो की ये। तो जैसे हम मान लीजिए इसको मूव करते हैं, तो हमारा ये जो लाइट जो है दिया हुआ है लाइट, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने जमीन से रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए इसको मूव कर रहे हैं तो हमारा ये कर्जर मूव कर रहा है, इसको कर्जर कहते हैं, जान लीजिए ये पॉइंटर बोलिए या इसको बोलिए कर्जर बोलिए। तो हम जैसे मूव कर रहे हैं तो इसको जो है मूव करा रहा है, और जिसपे ले जाना चाहते, मान लीजिए इस वाले एप्लीकेशन ले जाना चाहते हैं तो यहाँ इसको मूव करा के ले जाएंगे, इसको लेके जाएंगे, ऐसे जिसके ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो आप अपने माउस को ऐसे धीरे धीरे करते करते जैसे ऐसे मूव करेंगे ना तो ये ला सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो पुराने वाले माउस आते थे स्क्रॉल वाले माउस, उसके नीचे लोग पैड लगाते थे, पैड के ऊपर काम करते, लेकिन अब ये थोड़ा अच्छा हो चुका है, इसके अंदर पैड लगाने की संभावना बहुत कम होती, कभी कभी नहीं काम करता है तो पैड लगाना होता है, लेकिन ये सरफेस से ही काम कर लेता है। देखिए तो हम उसी से काम करते हैं, हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि हमको इस पर ले आना है, देख रहे ना अपने कर्जर को लेकर चले गए इस वाले आइकॉन के ऊपर, इसको बोलते हैं कंप्यूटर, देख रहे ना ये ले चले। तो कैसे लेके गए हैं, तो इसको हम ऐसे ऐसे जैसे जैसे गाड़ी चलाते धीरे धीरे करते करते वैसे करके इसको हम लेके चले गए यहाँ पे। आप देखें ऐसे ले जा रहे ऊपर नीचे ले जा रहे, कर्जर हमारा ऊपर नीचे आ रहा है ये, ठीक है ना, सिंपल समझिए एकदम। तो हम ले चले गए कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर ले चुके हैं। तो देखिए एक ऑप्शन ये है कि ये वाला बटन जो आप दिया हुआ है लेफ्ट वाला, ये वाला ठीक है, ये वाला बटन दिया हुआ लेफ्ट वाला, इसको लेफ्ट बटन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ, ये एक बटन एक तरह से ये, और एक बटन ये है। तो हम इसको प्रेस करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ला दिया कंप्यूटर ला दिया यहाँ पे, अब इसको हम दो बार जो लेफ्ट बटन दिए दो बार क्लिक करेंगे इसको, तो देखिए हमारा एक खुल गया ये, देख रहा ना ये कोने से हमारा खुल गया, देखा। तो हमने दो बार ला के जल्दी इस पर क्लिक किया तो जा करके ये हमारा जो है पॉइंटर खुल गया, ठीक है। तो अब देखिए खुल तो गया, अब हमको बंद करना है इसको है, तो फिर इसी लेफ्ट वाले बटन से अपने कर्सर लेके जाएंगे। देखिए एरो की जो है दिख रहा है ना, ये एरो की, इसको लेके जाएंगे यहाँ पे लाल वाला बटन दिया कोने में दिया हुआ है, इसको फिर एक बार क्लिक कर देंगे लेफ्ट वाले बटन को। देखिए क्लिक किया हमने, यहाँ लिख के आ रहा है, देखिए अभी लिख के आ रहा है क्लोज, लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का तो ये बंद नहीं होगा, यहाँ कुछ काम नहीं करेगा। तो यहाँ क्या करना आपको है, फिर लेफ्ट बटन जिसे खोला हमने था इसी पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये भी आपका बंद हो जाएगा, बंद हो गया ना, समझे ना। तो जो लेफ्ट बटन होता है इसका काम होता है दो बार क्लिक करिए कहीं पे, कहीं एक बार क्लिक करिए, तो हमने खोलना था, देखिए एक बार क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो गया ये, खुलेगा नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी बाजी दो बार क्लिक कर, दो बार तीन बार चार क्लिक कर देंगे, देखिए खुल गया ये, समझे। तो हम लोग का हाथ साथ तेज काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट है, आपका नहीं है, तो धीरे धीरे आप लेके जाएंगे ऐसे। देखिए मैं देखा हूँ जो नए होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। ये आप कोने में लेके गए, इसको एक बार क्लिक कर दिया, ठीक है, ये हो चुका लेफ्ट वाले बटन का काम माउस के अंदर, मतलब कि इस वाले बटन का काम लेफ्ट वाले का, इसका बोलते हैं लेफ्ट बटन बोलते हैं। ये एक तरह लेके क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहा है, देखिए कट कट आवाज़ कर रहा है, कर रहा है ना, ये बटन एक तरह से है, ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर किसी को खोलना हमको है, तो इसको हमको डेल को खोलना है, दो बार क्लिक कर, देखिए खुल गया। फिर लेफ्ट बटन से, मतलब लेफ्ट बटन काम होता है डायरेक्टली इसको जो है आप कोने से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये हो चुका मेन काम इसी का होता है। दूसरे बटन देखिए उसके बगल दिया था राइट बटन दिया रहता है, बगल में एक ये जो बटन दिया रहता है ये देखिए, ये माउस का राइट बटन है, ये राइट बटन, ये लेफ्ट बटन कहते हैं इसको, कहते हैं राइट बटन कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल करना है तो मान लीजिए इसी वाले कंप्यूटर वाले आइकन पे दोबारा हम आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं, अब इस पर हम राइट बटन क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे देखिए इसको, तो यहाँ देखिए इसमें कुछ मेनू खुल चुका है इसके बारे में, ठीक है, अब मेनू खुल चुका है। तो ये राइट क्लिक करके दोबारा हमने जो है यहाँ दिखा देता हूँ आपको, हमने इस पर क्लिक किया, मान लीजिए इस पर राइट क्लिक किया, तो देखिए ये मेनू खुल गया। अब इसके अंदर कुछ खोलना आपको है, अब यहाँ राइट क्लिक करेंगे ओपन ला करके, अपना राइट क्लिक किया आपने, इस पर क्लिक किया, और फिर यहाँ पर जब ओपन आ चुका है, मैनेज आ चुका है, फिर इसको ओपन खोलना है तो आपको फिर लेफ्ट बटन को क्लिक करना पड़ेगा, तो मतलब आपको ये वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला ध्यान दीजिएगा। तो इसमें फिर आप ओपन वाले पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन खुल गया, फिर कोने से बंद करना आपको है, फिर इसको जो है यहाँ से बंद कर दीजिए, समझे। तो लेफ्ट का बटन क्या हो गया, मेन वाला काम लेफ्ट वाला हो गया, और राइट वाला काम जो है आपका कुछ उसका प्रॉपर्टीज खोलना है, कुछ और करना है। तो जैसे डेस्कटॉप पे देखिए कर्जर यहाँ पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे मैं लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ कुछ नहीं होगा, देखिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कर्जर के यहाँ ला करके मैं यहाँ पर राइट बटन क्लिक करता हूँ, देखिए राइट बटन क्लिक किया तो देखिए इतना मेनू खुल के आ गया, ठीक है ना, इतना मेनू खुल के आ गया। अब इसको मुझे प्रॉपर्टी में कुछ करना है, क्लिक करना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, पर्सनल में जाना है तो यहाँ से हम जा करके फिर लेफ्ट बटन क्लिक करके घुस के उसमें चेंज कर सकते हैं, समझ गए।
तो लेफ्ट बटन और राइट बटन का काम क्या होगा, माउस का ये दो बटन होता है, दोनों का अलग अलग काम होता है, मतलब मेनली काम इसी से किया जाता है। मूव ऐसे करते हैं, घुमाते हैं तो मूव करता है हमारा कर्सर और इससे उसे काम करते हैं। लेकिन देखिए बीच में एक बटन और दिया हुआ, इसको देख रहा है ना आपको, ये इसको कहते हैं स्क्रॉल, कैसे इसको हम मूव कर रहे हैं, देखिए ये ऐसे कर मूव कर रहे ना, ये यहाँ का काम होता है, इसको दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर, इस पर दो क्लिक करके हमने खोल लिया। अब देखिए ये खुल गया हमारा, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसको 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 प्रेस कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने जो है 5-6 पन्ना बना रखा हुआ है, ये जो एरो आपका यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी आपके यहाँ कुछ लिख रहे हैं, आपको चाहना नीचे अगर आना है तो आप जो है ऐसे करके देखिए नीचे ला सकते, पेज के नीचे ला सकते हैं और फिर पेज के ऊपर जा सकते हैं। तो जैसे हम मूव कर रहे हैं तो हमारा जो देखिए ये जो मूवमेंट है ना, ये हमारा मूव कर रहा है ऊपर नीचे हो रहा पेज, मतलब तो 10-15 पन्ना अगर है आपका तो पेज आपका ऊपर नीचे हो पाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट बटन जान चुके हैं आप, हैं आप राइट बटन जान चुके हैं आप, इसके इसको स्क्रॉल को जान चुके हैं, उसके ऑप्टिकल को जान चुके हैं। तो ये तरीका होता है माउस के बारे में। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ऑनलाइन, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी सेंटर में, तो आप माउस पे कमांड आपका अच्छा रहेगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो माउस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो जो है ये एरो की से इस्तेमाल कर काम कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था माउस के बारे में, शायद ये वीडियो आपको पसंद आया। चलिए ठीक है, ये रहा पूरा डिटेल माउस के बारे में, और पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा, माउस क्या होता है, कैसे इसके बटन काम करते हैं, सारी चीज़ें। तो अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम बैठते हैं, अगर कोई आपसे पूछता माउस क्या होता है, तो पूरा आंसर उसको दे देंगे। तो अगर वीडियो आपके लाइफ में कहीं काम आने जा रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको इसके बारे में नहीं मालूम होता, कहीं ना कहीं से काम आया। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।